कैसे हैं आप सब लोग, और हैप्पी दिवाली आप सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने आज सुबह से नहा के, और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। और मैं क्या क्या बनाऊंगी, मूंग की दाल की कचौड़ी जो कि मैंने भिगो दी है पहले से ही, इतनी तो काफ़ी है, इतनी तो काफ़ी है देखिए तो ये। और गोभी आलू की सब्ज़ी, और गोभी आलू की सब्ज़ी हो गई, खीर हो गई, पूरी हो गई, यही त्यौहार पे बनता है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने बोला सुबह से स्टार्ट कर लेती हूँ आप लोगों से, और मैंने कैसा डेकोरेशन किया मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल खाने आने पे ध्यान देते हैं, सुबह से स्टार्ट हो जाता है ना। और मैंने ये भी निकाला जो कि मैंने आपको दिखाया था ना, तो अच्छा नहीं लगता ना इसलिए, और देखते हैं। और शाम को तो पहनेंगे कपड़े, वंशिका को बहुत मतलब बोल रही है मम्मी कपड़े पहनाओ, कपड़े पहनाओ। मैंने बोला नहीं अभी से क्या पहना, शाम को पहनाएंगे। और सारा काम मेरा हो चुका है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गई है, ऊपर लगे पर क्या करें, फिर जगह भी तो नहीं थी ना, तो इसलिए। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, खाना बनाते हैं फिर करते हैं, क्योंकि खाना फिर बहुत लेट हो जाता है। दो दिन से मेरा 1-1 बजे खाना हो रहा है, तो फिर खाना टाइम पे नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे थोड़ी सी वीकनेस रहती है, अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने आप पे। तो चलिए, और बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं। हाय बोलिए सोना। हाय। हाँ सोना, तुम ये चने खा रहे हैं जो कि इनके आंगनवाड़ी से आए हैं, वो खाने में लगे हैं, क्योंकि खाना अभी बना नहीं है ना, बनाने जा रही है, अभी आए नहीं है, तो इसलिए। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, और अब शाम, आज सुबह से स्टार्ट, त्योहारों के टाइम तो सुबह से ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये यादगार पल हमेशा कैद हो जाते हैं यहाँ पे। तो फिर से कहूँगी तहे दिल से हैप्पी दिवाली, सबके घरों में दिए जले, सबके घरों में खुशियाँ आए। और आप लोगों से बातें करने के बाद मैं यहाँ पे गोभी, आलू, टमाटर, हरी मिर्ची ये सबको काट लूँगी, क्योंकि तैयारी करके रख लूँ ना तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और फिर छोटे छोटे बच्चे हैं तो टाइम से सब कुछ कर लो तो अच्छा है ना, करना तो हमें ही है। तो इसको काट के मुझे धोना है, और पहले ये काटने के बाद ये रख दूँगी साइड से, मुझे दाल की कचौड़ी ये सब बनाना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, तो इसलिए पहले ये निपटा दो ना तो ठीक रहता है सब्जी वगैरह का। और यहाँ पे ये मैंने मूंग की दाल भिगोई थी सुबह, आपको दिखाया था, इसको मैंने कूट लिया है, बारीक करके पीसा नहीं है, मिक्सी है पर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा कूटा है, क्योंकि बारीक नहीं करना होता है। और हरी मिर्च, प्याज, धनिया ये सब मैंने काट के रख लिया है। 2 बूंद तेल डाला था, और उसमें मैंने ये मूंग की दाल डाल दी, क्योंकि इसका हमें पानी निकालना है, सुखाना है। 2 मिनट में इसका पानी सूख जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 बार चम्मच हिला दीजिए, और इसमें जो भी सारे मसाले हैं वो ऐड कर देने, हल्दी, मिर्ची, हल्दी नहीं डालनी है, गरम मसाला ये सब बस करके 2-3 बार हिला के, इससे है ना पानी दाल नहीं छोड़ती है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कचौड़ी के साथ नहीं भी खाएंगे ना तो चाय के साथ खाएंगे तब भी बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की है। और कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाती है ना, तो इसलिए वैसे ये वाली मैंने कई वीडियो में बताया था, ये वाली कढ़ाई मैं यूज नहीं करती हूँ, पर उस वाली कढ़ाई में मुझे ना पूड़ियाँ सेकनी है, तो फिर इसलिए मैं 2-2 बार करूँ, तो फिर इसलिए मैंने बोला इसी में कर लेती हूँ। और मैंने पूड़ी, गोभी, आलू 1 बार बना लिया है वो, और ये मैं शाम का कर रही हूँ, शाम की तैयारी कर रही हूँ। वो भी आलू और पूड़ी क्या दिखाना, बहुत बार शेयर किया है, त्योहारों पे ये पकवान तो नॉर्मल ही हैं, इनके बिना तो त्यौहार अधूरा रहता है। तो ये कचौड़ी बना रही थी तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर कर दूँ। धनिया डाल ही दिए, यहाँ कचौड़ी का आटा गूंद रही हूँ, नमक डालूँगी और इसमें रिफाइंड डालूँगी, क्योंकि इसके बिना कचौड़ी मतलब करारी करारी नहीं होती है ना, तो इस वजह से। फिर जल्दी से खाना बना लो ना, तो फिर तैयार हो जाओ, बच्चों को तैयार होने में टाइम तो लगता ही लगता है, फिर बच्चों का ही त्यौहार होता है तो इसलिए। और ये देखिए इस तरीके से आपका आटा जब तैयार हो जाना तो लड्डू जैसे बनने लग जाता है। और पटाखों की बहुत आवाज़ आ रही होगी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि दीपावली है। और यहाँ पे खीर के लिए मैंने दूध उबलने के रख दिया, कितना सरकार ने कितना बैन किया है तो पटाखों वगैरह को, पर कोई नहीं मानता है, सब ऐसे ही करते हैं, आप कौन इतना, कोई किसी की बात को नहीं रखता है, बस अपनी पड़ी और किसी की नहीं पड़ी। तो हमारे यहाँ तो पटाखे चल रहे हैं, हम लोगों ने चढ़ाए ना, हम लेके आए। तो देखिए मैंने आटा गूंद लिया, और मेरी वो
कचौड़ी का जो तैयार किया था दाल, मूंग की दाल का, तो ये देखिए इस तरीके से बेल बेल के रख लूँगी। और ये ना कचौड़ियों में से निकलती नहीं है, फटती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। और मैंने कपड़े नए पहन लिए हैं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे पहने कैसे नहीं पहने। ये देखिए इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा आँखों में दिक्कत हो रही है, पर कोई भी नहीं मानता है। पता नहीं क्यों एक दूसरे की बात कोई किसी की बात कोई नहीं रखता है, पता नहीं क्या कलयुग आ गया, समझ में ही नहीं आता। तो चलिए ये देखिए मेरी खीर बन रही है, और एक तरफ मैं पूरी कचौड़ी सेकती जा रही हूँ। और खीर में तो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि खीर जब तक अच्छे से ना बने ना मज़ा ही नहीं आता है। और मुझे तो खीर ना गाढ़ी गाढ़ी और ये सब अच्छी लगती है, फ्रिज में रख दो उसके बाद। और दो दो तीन तीन करके कचौड़ियाँ सेक लूँगी मैं इस तरीके से। पूरी सेक ली थी वो सुबह ही, और कचली गर्म थी, जल गई, त्यौहार के दिन बहुत ज़्यादा हाथ जल गया था। कोई बात नहीं, हो जाता थोड़ा सा काम में। तो ये इस तरीके से देखिए मेरी दोनों ऐसे ना जल्दबाजी हो जाती है, काम जल्दी जल्दी हो जाना तो ठीक रहता है। और एक एक दो दो कचौड़ी करके कर देते तो अच्छा लगता है। और आप लोग बताइएगा आपका त्यौहार कैसे मना कैसे नहीं मना। त्यौहार पूरी पकवान का ही त्यौहार होता है। और मैंने बच्चों को देखिए तैयार कर दिया, और मेरी कचौड़ी सिक गई हैं। आप लोग आइए और खा लीजिए। तो चलिए इसको कर देती हूँ। और ये देखिए वंशिका शौना को मैंने रेडी कर दिया। ये आपको पता है मैंने मीशो से मंगाए थे कपड़े, और नहीं मंगाए इतने ही, मैं इतने नहीं के बरबर। और शौना देखिए कैसे खड़ी हो गई है, देखिए इन लोगों की लड़ाई। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गणेश लक्ष्मी जी के पैर, देखिए हाथों से ही बना रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग भी अगली बार ट्राई करिएगा। ये देखिए हाथ की मुट्ठी को बंद करके और यूँ ऐसे इसके ऐसे कर देने। ये देखिए रख ले, बिल्कुल रियल लग रहे हैं ना। ये देखिए इस तरीके से दोनों करने। और इनको ना जब गणेश लक्ष्मी की पूजा करने के बाद फिर इनको भी हमें भोग लगा देना है, इनके पैरों को भी मतलब पूज देना है। ये देखिए दोनों हाथों से बनाने, एक हाथ से ही नहीं बनाने, दोनों हाथों से बनाने हमें, क्योंकि दायां सीधा अलग बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा हाथों से इसको सही कर देंगे जो जहाँ से बिगड़े हुए हैं, तो थोड़े से अच्छे। ये देखिए देखिए सेम टू सेम लग रहे हैं। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत है पर अच्छा लगता है, हाथों की चीज़ें आपको पता ही है। तो चलिए आप लोग भी अगली बार ट्राई करिएगा। मैं ना हाथों को धो लेती हूँ और इनको रख देती हूँ। और ये देखिए ये मैंने भी मीशो से मंगाया, वही पहना है। हम ये नहीं अलग अलग ये मंगाया वो मंगाया, इतना वो नहीं है। तो मैं आपको दिखा रही थी ऐसी लग रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को फिर दिखाना अच्छा लगता है ना। आप लोग बोलते दिखाया नहीं, तो इसलिए कैसा लग रहा है आप भी बताना मुझे कमेंट करके। और यहाँ पे हम दोनों लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं। फिर हम दोनों बच्चे तो बेड पे बैठे हैं, तो फिर मैंने बोला हम दोनों ही आरती का टाइम हो गया। घड़ी आप देख सकते हैं सामने, घड़ी लगी हुई है। हमारे यहाँ 7:30 का था, तो हम दोनों खड़े बैठ के पूजा करने की तो जगह है नहीं, आप लोग समझेंगे। और बहुत शोर शराबा आ रहा है तो इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और हम बच्चों को लेते तो बच्चे तो आपको पता है नहीं खड़े हो पाते इतने ऊपर पे, तो इसलिए तो हम दोनों ही मिलके पूजा कर लेते। और मैं हमने जो आरती गाई थी रियल आरती इन्होंने गाई थी, वो मैं आपको सुनाऊंगी। मैं बोल रही हूँ आप करो, मैं भोग लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर थाली गर्म हो जाती है, थोड़ा खड़े होकर पूजा करने में दिक्कत होती है। पर कोई नहीं, मैया रानी सुनेगी और अगली साल मैया रानी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगी, यही मैया रानी से प्रार्थना है। तुम बिन ओरन दूजा, प्रभु बिन ओरन दूजा, से करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं फूल मूर्ख खल कामी, कृपा करो वरता ओम जय जगदीश हरे।
और मेरे हस्बैंड का आपने आरती सुनी, कैसी आवाज़ है बताइएगा। और ये देखिए ये मुझे गिफ्ट मिला है, मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कहाँ से मिला है कहाँ से नहीं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने डेकोरेशन की है अपने घर की। मुझे नहीं पता कैसी है कैसी नहीं है, जब ये अगली साल देखते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है तब ये वीडियो को याद करूँगी। गणेश लक्ष्मी जी हमारी ज़िंदगी में कैसी खुशियाँ लेके आते हैं वो अगले टाइम हमको पता चलेगी, अभी नहीं। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं बाहर दिए रख के आऊँगी, घर के तो हो गए पर बाहर भी तो रखने हैं दिए। तो ये देखिए मोमबत्तियाँ, ये मतलब सब छत वगैरह सब तुलसाजी वगैरह सब जगह रखना है, तो मैंने बोला जला लेती हूँ फिर इसे रखती हूँ। सोना बैठी हुई है, ये देखिए, और वंशी का मोबाइल पकड़े हुई है। तो बस यही है मैया रानी, गणेश लक्ष्मी मैया रानी सबकी इच्छाएँ पूरी करें, सबको घर में सब सुख सुविधाएं हो, मेहनत करें उसका फल मिले, यही हम लोगों की इच्छा होती है, यही आशीर्वाद लेते हैं और क्या है हम लोगों को। तो चलिए ये सारे दीपक रख के आते हैं और देखिए कितनी अच्छी दिवाली, जैसे सोचो वैसा नहीं हो पाता है पर ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बहुत खुशी खुशी से हमारी दीपावली हुई। तो इस तरीके से हमारी सादा सिंपल सी, ना कोई दिखावटी ना कुछ, नॉर्मल सी हमारे त्यौहार होते हैं जो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक छोटी सी उम्मीद भी रहती है आपको मेरी सादगी भरे सादा सिंपल से ब्लॉग पसंद आएंगे, आशा ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं ना उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उम्मीद ही है। तो चलिए ये सारे जल गए, इनको रख के आती हूँ और फिर वो कर देती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए मैं नल के पास पानी आ गया, ये पानी भर रहे हैं, वंशी का फ़ोन पकड़े है देख सकते हैं आप लोग। तो नल के पास, तुलसा जी के पास, छत पे, सीढ़ियों पे, मतलब जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ रख देते, क्योंकि दिया तो हर जगह रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो का आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, बहुत मेहनत से बनाई है और अगली दीपावली तक देखते हैं क्या बदलाव आता है। आप लोगों के साथ ये सच्चाई हमेशा कैद रहेगी। हमारी जी लक्ष्मी पूजा हो गई है, सोना फूल गाना गा रही है। तो चलिए देखिए मैंने पैर बनाए थे ना, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपको फिर से हैप्पी दिवाली हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। और खाना खाएंगे, बहुत टाइम सारा तैयार है, कचौड़ी खीर सब कुछ रेडी है, बना के तैयार करके उसके बाद में कुछ करते हैं, हमारे तो ऐसे ही है। आपके खाना और आप लोग आइए मिठाई खा लीजिए, हमारी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। गाना सुना गणेश जी का आप भी सुना लो। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगे, तब तक के लिए बाय। सुना